सो हेलो गाइस, आ चुके हैं हम लोग बिरला मंदिर फाइनली। तो आ चुके, ये है बिरला मंदिर का मेन गेट, तो कि हम लोग अंदर एंट्री करेंगे। निवी से हमने कहा, निवी बुआ का हाथ पकड़ ले, तो कह रहे नहीं, उसे बहुत अच्छा लग रहा है, मस्त मौला चल रही है बढ़िया। आज उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक है, तो फिर हम लोग आज घूमने निकल रहे। दीदी कल नहीं चल, आज निवी की तबीयत ठीक है, तो तुझे आज भोपाल घुमाती हूँ, क्योंकि जब से आई हूँ तब से निवी बीमार है, तो हम लोग कहीं घूमने ही नहीं जा पा रहे थे। तो आज दीदी के लिए चल तुझे बिरला मंदिर घुमा के लाती हूँ, अगर टाइम मिला तो फिर हम लोग VIP रोड भी चलेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, अगर यहाँ से समय से निकल गए तो फिर हम लोग VIP रोड यानी कि बड़ा तालाब भी जाएंगे। तो ये देखिए फैमिली अपनी सेल्फी ले रही है, और हम लोग ये जा रहे हैं अब अंदर। वही हमारा थोपड़ा हम दिखा रहे हैं कि देख लो गाइस, ये हमारा थोपड़ा, ताकि आपको मालूम चल जाए कि हाँ हम वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए पूरा नज़ारा यहाँ का, मुझे तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों। अगर आप आसपास कहीं रहते हैं तो आप भी ज़रूर आइए यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा मुझे तो। अच्छा क्या, प्राचीन है तो सबको स्वाभाविक ही अच्छा लगेगा। वो कहते हैं अभी अभी अंदर जाएंगे, वहाँ पे कहते हैं लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी की बहुत प्यारी प्रतिमा है। ये देखिए दीदी मुझे हक कर रही हैं। हम लोगों ने बहुत मस्ती की, और दीदी मेरी सारे ब्लॉग में देखेंगी आपको। ये देखो मस्त मॉल आए भैया वो, और हमारी नवपुरानी भी खूब मस्ती कर रही हैं। आज वो खुश है, बीमार से थोड़ी सी बाहर निकले तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। हम लोग अंदर जा रहे हैं अब दोस्तों, देखिए दिखाते हैं आपको लक्ष्मी भगवान जी और विष्णु भगवान जी की प्रतिमा। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं मुझे लगता है यहाँ पर घूमने के लिए, कि दर्शन के लिए। शायद गार्ड भैया मना कर रहे हैं कि बंद करो, यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, तो फिर भी नहीं मानी मैंने। यहाँ मेरी बैंड बज गई है, देखो गुस्सा हो गए, और हम लोग निकल आए बाहर। मुझे गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ यार, कि मैं भगवान जी के दर्शन नहीं कर पाई। तो मैंने दीदी से कहा, दीदी यार मुझे दर्शन नहीं हुए, और मैं अपने फैमिली परिवार को भी उनके दर्शन नहीं करा पाई। दीदी के लिए चलो कोई बात नहीं, शायद वहाँ अलाउड नहीं है, चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो हम लोग निकल आएगा इस बाहर, तो देखिए आप बाहर का नज़ारा यहाँ से देखिए, आप बिरला मंदिर कितना प्यारा लग रहा है, बहुत सुकून है, बहुत शांति है यहाँ पर। तो आप ज़रूर आइए बिरला मंदिर घूमने के लिए, आसपास हैं तो आ ही जाएंगे, और अगर दूर से भी हैं तो भी ज़रूर आना भोपाल, क्योंकि भोपाल तो वैसे ही हमारा भैया झीलों का शहर है, फेमस है दुनिया में। अब देखते हैं इसके बाद कहाँ जाते हैं। तो दीदी और निवी खूब इंजॉय कर रही हैं वीडियो में, खुद से अपनी खुद की नहीं दिखा पा रही हूँ सही से दोस्तों, क्योंकि जिगर आज साथ में आया नहीं, जिगर घर पे रुक गया कनिका दीदी के साथ, वो दोनों आए नहीं। वो अभी स्कूटी थी तो दो हैं दीदी के, लेकिन बोलने लगे कि मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जा रही हूँ, तो जिगर भी नहीं आया। हम दोनों आए, देखो यहाँ निकल चुके हैं। दीदी कह तो रही है चल चलते हैं अपन VIP रोड, तो ये निकल चुके हैं हम लोग अब VIP रोड के लिए। तो अब घुमाते हैं हम आपको बड़ा तालाब, राजा भोज की नगरी, और क्या चलते हैं। हाँ बड़े सुंदर लग रहे हैं जो बार बार आपको ये आ गया चौराहा, देखिए ये रास्ते देखते यार, काश ये भी साथ में होते तो बहुत मज़ा आता। मज़ा तो दीदी के साथ भी आ रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन और मज़ा आता है यार। ये क्या पता शायद राजा भोजी हैं, पूछूंगी दीदी से ये कौन है, किन चौराहे पे किनका वो बना हुआ है। चलते चलते दीदी की तो आज बैंड बज गई, दीदी गाड़ी चलाते चलाते, दीदी आज बहुत बहुत चला ली दीदी ने मेरे साथ स्कूटी, मुझे चलानी आती नहीं है, मैं क्या करूं, है ही नहीं तो चलाऊंगी कहाँ से दोस्तों। यहाँ देखना ढोलकी बजेगी, ये
ये देखो ढोलक बज रही है, मुझे आवाज़ बहुत दूर से आ गई थी। ये आ गए हम लोग VIP रोड बड़ा तालाब। सच में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन दीदी कह रही रात में इससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ रात में बहुत घूमने वाले लोग भी आते हैं और बहुत मज़ा आता है रात को। तो यहाँ पर तो देखिए ये शायद कौन सा बांध पुल है, राजा भोज सेतु। तो ये राजा भोज सेतु ब्रिज है, बहुत अच्छा बना है, राजा भोज के नाम से ही बना है ये। ट्रैफिक भी बहुत है लेकिन सुकून भी है, अच्छा लगा मुझे तो। कहते हैं ना तालों में ताल तलैया, और भोपाल का तालाब का कुछ ऐसी कहावत है, मुझे नहीं आ रही है, लेकिन सच में ये तो बड़ा तालाब तो समुद्र की जैसा ही लग रहा है। और क्या, भोपाल है भैया भोपाल। तो दोस्तों भर भर के कमेंट तो कर दो जल्दी, लाइक सब्सक्राइब भी ढेर सारे करो ताकि मुझे सपोर्ट मिले और खुशी हो कि हाँ भाई मेरा यूट्यूब परिवार मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो मैं आपको ऐसी वीडियो दिखाती रहूं और कोशिश करूंगी अच्छे से डालने की, क्योंकि मुझे इतने अच्छे से मोबाइल चलाना नहीं आता है दोस्तों। कोशिश करूंगी अच्छे से ब्लॉग बनाने की। ये देखिए ये है राजा भोज, ये किले की गुम्बद पर है कि किला डूबा हुआ है, दीदी बता रही थी कि पूरा किला डूबा है इसमें तालाब में।